बिग बॉस के लाइव फीड में घर के अंदर एक बार फिर से हाथापाई की नौबत आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लड़ाई झगड़ा जो है वो विशाल और अरमान नहीं बल्कि अरमान का लवकीश कटारिया के साथ हुआ है। दोनों एक तरीके से लड़ पड़े हैं, मानो कि थोड़ी ही देर में एक दूसरे के गाल पर तमाचा मारकर घर को अलविदा कह देंगे। दरअसल दोस्तों, घर के अंदर जो है वो टास्क चल रहा है हेड ऑफ द हाउस के लिए, और इस दौरान लवकेश कटारिया के नाम का जो टेस्ट ट्यूब है वो अदनान शेख के पास है, और अरमान मलिक के नाम का जो टेस्ट ट्यूब है वो यहाँ पर रणवीर के पास में है। कोई भी टालने को तैयार नहीं है एक दूसरे के टेस्ट ट्यूब को, और एक दूसरे को कैप्टन बनाना चाहते हैं। अदनान लवकेश के लिए जंग लड़ रहा है, तो वही दूसरी ओर रणवीर अरमान के लिए लड़ रहा है। हालांकि घर के अंदर चौथे राउंड की शुरुआत में काफी ज्यादा विवाद हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मामला आगे बढ़ गया है। लड़ाई झगड़े होने ही वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर अरमान मलिक ने लवकेश कटारिया के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, जिसके बाद में लवकेश कटारिया ने भी यहाँ पर अरमान मलिक को धमकी दे दी और कहा कि तेरे पेट की सारी हवा जो है वो निकाल दूंगा। ये सुनकर यहाँ पर जो अरमान मलिक है वो लवकेश कटारिया के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि निकाल मेरी हवा, और यहाँ पर लवकेश कटारिया कहते हैं कि जहाँ निकालनी है ना निकालूंगा, तो रुक बेटा। तो यहाँ पर घर के बाहर देख लेने की एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में घर के बाहर आने के बाद उनके बीच में कुछ वाद विवाद होता है या नहीं। क्या अरमान मलिक जो है वो कटारिया के सामने बाहर आकर मिल पाएंगे या फिर छुपता फिरेगा? आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बनी रहे। धन्यवाद।